अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैरागीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट कोरमा, जिसके लिए यहाँ पे हमने ले लिए चिकन। इसको विनेगर के पानी में डाल के रखे अच्छे से। यहाँ पे 4 से 5 कांदे ले लिए हमने और एक टुकड़ा खोपरे का, 1 कप दही और ये हमारे कुछ मसाले। अभी हम कांदे और खोपरे का पेस्ट बना लेंगे। हमने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे तेल, 4 से 5 चम्मच तेल डालेंगे इसमें और अब इसे अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे गर्म मसाले। तेज़ पत्ता डाल देंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, राई, लौंग और काली मिरी सब डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमने जो कांदा और खोपरे का पेस्ट बनाया है वो। हमने इसमें कांदे डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरीके से भूनने देंगे जब तक इसका तेल नहीं छूट जाता तब तक। और हमने पीसने में काजू भी डाल दिए थे, आपको बताना भूल गए, आप पीस डाल के पीस लेना। अब हम देखेंगे हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले जो है, धनिया और जीरे का पाउडर, गरम मसाला पाउडर और काली मिरी का पाउडर। काली मिरी के पाउडर की जगह आप जो वाइट काली मिरी पाउडर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी वो हमारी ख़त्म हो चुकी थी इसके लिए हमने ये डाल दिए है। इन सब मसालों को इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही जो हमने फेंट लिए थे अच्छे से, उसको डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भी अच्छे से पक रहा है। इसमें अब हम डाल देंगे हमारा चिकन। चिकन हमने इसमें डाल दिए है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के नमक। नमक डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारी गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के हमारा चिकन अच्छी तरीके से गलने का रख के पका लेंगे। कम से कम 10-15 मिनट। अब हम देखेंगे हमारी ग्रेवी अच्छी तरीके से पक चुकी है। इसमें तेल भी बहुत अच्छी तरीके से छूट चुका है। ये स्टेज पे आप नमक चेक कर लेना कितना है। अब हम हमारी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। क्रीम डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम डालने के बाद अब हम इसमें ऐसे हाथों से क्रश करके डाल देंगे कस्तूरी मेथी। इससे इसका फ्लेवर और अच्छा आता है। मिक्स करके अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये हमारा वाइट कोरमा बन के रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमारे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमें वहाँ पर भी जाके फॉलो करना। अल्लाह हाफिज़।